मेरे प्रिय दर्शकों, आप सभी को मेरा नमस्कार प्रेम भरा। कहते हैं अतीत की कोख में भविष्य छुपा हुआ होता है, इसलिए कर्म की खेती बड़ी विचित्र होती है, जो दिखाई नहीं पड़ती, अंधेरे में छुपा हुआ बीज। बहुत दिनों के बाद भी जब पानी और खाद मिल जाती है तो अंकुरित हो जाता है। उसी तरह से भविष्य में पिछले किए गए कर्मों का प्रतिफल जब प्रस्फुटित होता है, जब निखरित होता है, तो सुपल्लवित होने के बाद दिखाई भी पड़ता है। जी हाँ, इस चैनल पे शिक्षाप्रद कार्यक्रम में मैं पुनः एक बार आपको एक विषय दे रहा हूँ, तुला लग्न और रोग। यदि आपका तुला लग्न है और इनमें से कोई भी योग है तो आप अपनी कुंडली चेक करिए और उपाय के लिए सावधान करने के लिए मैं ये वीडियो दे रहा हूँ। ये नहीं कि मैं आपको डरा रहा हूँ। चलिए, कई बार आप डॉक्टर के पास दौड़ते रहते हैं और उसका कोई निदान नहीं मिलता और आप परेशान हो जाते हैं, अपने घर की सारी पूंजी लगा देते हैं, फिर भी कुछ नहीं बचता आपके पास। तो ऐसी अवस्था में ज्योतिष आपकी सहायता करता है। एस्ट्रो गुरु चैनल पर आपका मैं पुनः आने के लिए आभार प्रकट करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ तुला लग्न और रोग में। अगर तुला लग्न है और चंद्रमा निर्बल बैठा हुआ है आठवें भाव में शनि के साथ, तो ऐसा आदमी प्रेत की बाधा से और शत्रु के अभिचार से यानी किए कराए से परेशान रहता है और अंत में परेशान होकर के मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। नंबर दो, तुला लग्न है आपका अगर और लग्न का मालिक शुक्र और लग्न का मालिक शुक्र और लग्न दोनों ही पाप ग्रहों के साथ हों और सातवें घर में शनि विराजमान हो, तो ऐसे आदमी को देवता के श्राप से, शत्रुकृत अभिचार से मृत्यु को प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति यानी कि दुश्मन के किए कराए से, जादू टोने से और किसी देवता के श्राप से वो बाधित होकर मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। भारतीय ज्योतिष की पद्धति है। नंबर तीन, अगर तुला लग्न है, दूसरे घर में शनि के साथ राहु बैठे हुए हैं या फिर केतु बैठे हुए हैं, तो ऐसे आदमी को बहुत सारे कष्टों से जीवन व्यतीत करना पड़ता है। नंबर चार, तुला लग्न में अगर चंद्रमा प्लस बृहस्पति प्लस शनि ये छठे भाव में बैठे हों, तो ऐसे आदमी को कुष्ठ रोग होता है। नंबर पांच, रोग तुला लग्न है और अष्टम स्थान का मालिक शुक्र लग्न में बैठा हो और आठवें भाव में कोई भी ग्रह ना हो, तो ऐसा व्यक्ति सदैव दुखी जीवन व्यतीत करता है। नंबर छह, तुला लग्न में पाप ग्रह बैठा हो और लग्न का मालिक शुक्र निर्बल हो, बलहीन हो, तो जातक सदैव बीमार रहा करता है। नंबर सात, तुला लग्न का अगर आपका जन्मांक है और क्षीण चंद्रमा बैठा है लग्न में, उसके ऊपर पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो ऐसा आदमी जिंदगी भर रोगी रहता है। नंबर आठ, तुला लग्न है, गुरु प्लस शुक्र व शनि की युति अगर है या फिर दुष्ट स्थानों में एक साथ इकट्ठे बैठे हों तीनों, तो फिर ऐसे आदमी की मृत्यु का कारण वाहन दुर्घटना बनती है। नंबर नौ, अगर तुला लग्न है और छठे स्थान का मालिक बृहस्पति लग्न में बैठा हो और उसे पाप ग्रह देखते हो, तो ऐसा आदमी नेत्र का यानी कि नेत्र में जल स्त्राव होता है, बह जाता है नेत्र और वो अंधा हो जाता है ऐसा आदमी। नंबर दस, तुला लग्न है,
चौथे भवन में राहु और दूसरे पाप ग्रहों से वो दृष्ट हो, तो भी ऐसे आदमी को हार्ट अटैक होता है। तुला लगन में वृश्चिक का सूरज हो और आस अगल बगल दोनों तरफ पाप ग्रह बैठे हों, तो ऐसे आदमी को तेज हार्ट अटैक होता है। तुला लगन के चौथे घर में शनि और पांचवें घर में कुंभ का सूर्य हो तो भी ऐसा व्यक्ति जातक हुए जाति का वो हार्ट अटैक का रोगी होता है। एक योग और है, अगर तुला लग्न के चौथे भाव में शनि और छठे भाव में सूर्य बैठे हैं और दूसरे पाप ग्रहों के साथ दूसरे ग्रह हैं, तो ऐसा आदमी हृदय रोग का शिकार होकर के मृत्यु को प्राप्त होता है। ये किंवदंती नहीं है, ना मेरी कोई बनावटी है, रिसर्च है ज्योतिष की। आपको सुनकर के कुछ लोग तो जिनके ऊपर बीत रही है उनको अच्छा लगेगा, जिनको अभी कांटा नहीं चुभा है उनको ये अच्छा नहीं लगेगा, कमेंट्स कर सकते हैं गलत पलत। तो कृपया ध्यान से, ज्योतिष विषय है, ब्रह्म विषय है, शक्ति का विषय है, भुवन भास्कर की देन है, इसलिए इस पर गलत टिप्पणी मत करिएगा, नहीं तो कभी भी आपको नुकसान होने का भय हो सकता है, ये सोच लीजिए। बाकी रही बात और दूसरे लग्न के रोगों की, मैं वो भी दूंगा। यदि आपको इनमें से कोई परेशानी है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपको उपचार बताऊंगा। प्रभु कृपा से, गुरु कृपा से, मेरे में कोई शक्ति नहीं है, मैं तो बिल्कुल बेवकूफ़ आदमी हूँ। परमात्मा की कृपा के बिना सभी मूर्ख होते हैं, तो मैं भी वैसे मूर्ख ही हूँ। आप लोगों का प्रेम मिल रहा है इसलिए खुद को कुछ मान बैठूँ तो गलत है। ये सब आप लोगों का आदर, प्रेम और जिज्ञासा है, तो मैं आपके साथ बना रहूँगा। आपको अच्छा लगता है तो अवश्य जुड़े रहें, कमेंट करें, लाइक शेयर करें और हो सके तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब भी मैं कभी लाइव आऊँगा समय मिल करके, तो आप लोगों के साथ वार्ता भी करूँगा और कुंडली सर्वेक्षण भी करूँगा, साथ साथ में आप लोगों के साथ में चर्चा भी करूँगा। फिलहाल तो अभी लाइव आने का कोई कार्यक्रम नहीं है, जब भी होगा मैं आपको पहले से पूर्व सूचना अवश्य दूंगा। कम्युनिटी गाइडलाइन, कम्युनिटी टैब में और पिक्स वगैरह आप देख सकते हैं, हम आपको उस पर भेजते रहेंगे अपडेट्स। तो बस लेते हैं विदा आप सभी से और चलते हैं यहाँ से। नमस्कार आप सभी को।